लखनऊ के कुकरेल इलाके में जारी बुलडोजर एक्शन को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। सरकार ने बुलडोजर का फैसला वापस ले लिया है। सीएम योगी ने कहा कि लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। सीएम योगी ने कहा कि कुकरेल प्रोजेक्ट से प्रभावित परिवार बेखौफ रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि मकानों पर रेड मार्किंग की जरूरत नहीं थी। सीएम योगी ने भरोसा दिया कि लाल निशान लगाने वालों की जवाबदेही भी तय की जाए। सीएम योगी ने कहा कि लोगों का भय और भ्रम दूर करके अधिकारी वहां पर जाएंगे। सीएम योगी ने लोगों को यकीन दिलाया कि इलाके को खाली कराने का अभी कोई प्लान नहीं है। निजी मकानों को तोड़ने का अभी कोई सरकार का प्लान नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि नागरिकों का संरक्षण संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता है। अब आपको दिखाते हैं कि सीएम योगी के इस फैसले के बाद लोगों के खुशी मनाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। पंतनगर के लोगों ने सीएम योगी के आवास पर उनसे मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है। अधिकारियों को उन्होंने निर्देश भी दिए। सीएम योगी के इस फैसले से स्थानीय लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने आतिशबाजी करके जश्न मनाया, लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इसी पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। लखनऊ में जारी बुलडोजर एक्शन फिलहाल के लिए रुक गया है। लखनऊ में रहीम नगर, पंत नगर, अबरार नगर और खुर्रम नगर में बुलडोजर की कार्रवाई जारी है और इमारतों को ढहाया जा रहा है। सीएम योगी के आवास पर इसे लेकर एक अहम बैठक हुई, जिसमें सीएम योगी ने इन इलाकों में रहने वाले लोगों को बुलडोजर एक्शन न होने के लिए आश्वस्त किया है। वह लाल निशान जिसकी वजह से इन तमाम इलाके के लोग परेशान थे, उसको साफ तौर से आप यहां देख सकते हैं। एलडीए ने पिछले सोमवार को इसी तरह का लाल निशान यहां के तमाम मकानों पर लगाया था, जिनकी तादाद करीब 700 से लेकर के 800 के बीच में थी। ऐसे में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद यहां के निवासियों को न सिर्फ सुकून की सांस लेने को मिली है, बल्कि आप इस बात को मानकर चलें कि 700 से 800 मकानों पर जहां तमाम निशान लगाए गए थे, अब वो सुकून की सांस ले पाएंगे। सीएम योगी ने पंत नगर इलाके के लोगों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीएम योगी ने कहा कि सभी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। सीएम योगी से मुलाकात के बाद महिलाओं ने उनका आभार जताया और इस फैसले पर खुशी जाहिर की। हमारा घर बच गया, हमारी बहुत बड़ी योगी जी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ कि हमारा घर बच गया। क्या कुछ बात हुई है? हम लोगों की बात, वो सब कुछ हमारे फेवर में किए हैं कि हमारा जितना भी घर है, अगर रजिस्ट्री है तो वो नहीं हटाएगा, नहीं हटेगा। अच्छा, थैंक यू। तो आप लोग खुश हैं इस फैसले? बहुत 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 खुश, बहुत ज्यादा आभार है। लोगों से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने उनके मकानों पर लगे लाल निशान पर भी एतराज जताया। सीएम योगी ने कहा कि मकानों पर लाल निशान लगाने का कोई मतलब नहीं है। सीएम योगी ने भरोसा जताया कि लाल निशान लगाने वालों की जवाबदेही तय होगी। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में जाएं और लोगों से मिलें। लोगों के मकानों पर लाल निशान लगा करके भय का वातावरण क्यों बनाया? उन्होंने साफ तौर से कहा है कि एलडीए, सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर जाएं और स्थानीय निवासियों से बात करके सामंजस्य स्थापित करें। साथ ही इस बात का भी फैसला करें कि आखिर इस तरह का भय का और तनावपूर्ण वातावरण इन तमाम इलाकों में क्यों बनाया गया। साफ तौर से आप देखें, नदी की जो मुख्य धारा थी 50 मीटर से उस धारा को नापा गया। जो मकान 50 मीटर के अंदर आए उन पर इस तरह के निशान लगाए गए। 17 मीटर अंदर का मतलब हुआ कि नदी की जो मुख्य धारा है उसकी दूरी यहां से 17 मीटर की है, यानी इस मकान को भी एलडीए डिमोलिश करने के बारे में इरादे बना रहा था। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद बोले पंत नगर के लोगों ने राहत की सांस ली है। उन्होंने कहा कि वो सीएम योगी से मिलकर काफी खुश हैं, क्योंकि सारी बातें तय हो गई हैं। मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और उन्होंने हमारी बात बहुत सरलता से सुनी और उसको बहुत गंभीरता से लिया, और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि जिन अधिकारियों ने यहाँ पे भय युक्त माहौल बनाया था उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आप लोग वो आपके घर आएंगे जो लाल निशान लगा के गए हैं, वो आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि किस आधार पर निशान लगाए गए हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कोई भी मकान को क्षति नहीं होगी। स्थानीय लोगों ने बताया कि वो पिछले 8 से 10 दिनों से सोए नहीं है। लगातार उन्हें अपने घर टूटने की चिंता सता रही है, लेकिन सीएम योगी से मुलाकात के बाद उन्हें आश्वासन मिल गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, यहां के निवासियों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं,
हम लोगों ने इनकी स्थिति को देखा है और उन्होंने हमारी समस्याओं को सुनने का काम किया, समझने का काम किया है, जिसके लिए हम बहुत बहुत उनका आभार करते हैं कि हमारा मकान हमें मिला। हम आज की नींद ठीक से सो सकेंगे, हमारे बच्चे ठीक से पढ़ाई कर सकेंगे, हमारी रोजी रोटी यहाँ से चलती रहेगी। स्थानीय लोगों से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने भरोसा जताया है कि जिन अधिकारियों ने भय और भ्रम फैलाया उनको आपके घर भेजा जाएगा ताकि आप उनसे सवाल पूछ सकें। इसके बाद का प्रोसेस ये था कि इन तमाम मकानों को धारा 27 की नोटिस दी जाती। नोटिस दिए जाने के बाद इनके खिलाफ ध्वस्तीकरण का आदेश जारी होता, फिर अकबर नगर की तरह इन तमाम जगहों पर बुलडोजर लाकर खड़ा किया जाता। फिलहाल तमाम इलाकों के लोग बेहद खुश हैं क्योंकि मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम लोगों को आश्वासन दिया है कि जो लोग वैध हैं, जिनकी रजिस्ट्रियां हैं, उन तमाम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि एलडीए, नगर निगम और दूसरे अधिकारी इस मौके पर आएंगे और भय का जो वातावरण बना है इससे उनको निजात दिलाएंगे। कैमरा गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज 18, लखनऊ। और वहीं यूपी सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। शिक्षक संगठन का इसके खिलाफ लगातार विरोध जारी था। यूपी में शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी पर 2 महीने के लिए रोक लगा दी गई है। हालांकि इसे लेकर कमेटी का गठन किया गया है और कहा गया है कि विवाद का हल निकलने तक ये रोक जारी रहेगी। आखिर क्यों टीचर्स इस आदेश का विरोध कर रहे थे और अब उन्हें सरकार से आगे क्या उम्मीद है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको बता दें। यूपी सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस पर फिलहाल रोक लगा दी है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से डिजिटल हाजिरी के आदेश जारी किए गए थे। शिक्षक संगठन की ओर से लगातार इस आदेश का विरोध किया जा रहा था। अब सरकार ने अपने फैसले पर तत्काल रोक लगाने का फैसला किया है। यूपी शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी पर 2 महीने के लिए रोक लगाई गई है। विवाद का हल निकलने तक ये रोक जारी रहेगी। यूपी सरकार के डिजिटल अटेंडेंस के फैसले पर लगातार प्रदेश के तमाम जिलों में विरोध चल रहा था। इस मामले में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई, इसके बाद इस पर रोक लगाने का फैसला लिया गया। देखिए, लगातार शिक्षक पूरे प्रदेश का 0 ऑनलाइन अटेंडेंस दे रहा था, इस बात को सरकार भी समझ रही थी और कल का प्रदर्शन सरकार को मजबूर किया और आज स्थगित किया गया है। मैं तो कहता हूँ उसके आगे कि आप उनकी समस्याएं हैं उस पर आप गौर करिए, उन समस्याओं को आप खत्म करिए। मेन्स हमारी जड़ वो समस्याएं हैं, हाफ सीएल का मामला हो, चाहे वो हमारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति का मामला हो, चाहे पुरानी पेंशन का मामला हो, अगर समस्याओं पर आप समाधान नहीं करते तो फिर ढाक के 3 पात है, कोई मतलब नहीं हो। मुख्य सचिव की ओर से डिजिटल अटेंडेंस पर फिलहाल रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। कमेटी बनाई गई है जो इस मामले में सभी पक्षों से बातचीत कर समस्या का हल निकालेगी। विवाद का हल निकालने के लिए बनाई कमेटी, बेसिक टीचर्स के डिजिटल अटेंडेंस मामले में कमेटी। कमेटी सभी पक्षों के साथ बैठकर बातचीत करेगी, डिजिटल अटेंडेंस से जुड़े विवाद का हल निकालेंगे। टीचर्स की सहमति के बाद आगे कदम बढ़ाया जाएगा और उस आदेश को स्थगित किया। स्थगित एक संतुष्टि नहीं है, इसको रद्द करना पड़ेगा क्योंकि ये अव्यवहारिक है, ये शिक्षकों की मान सम्मान के विपरीत है, ये आदेश अपमानित करता है। साथ ही जो हमारे शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं, 10,000 रुपये, 7,000 रुपये में काम कर रहे हैं, 9,000 रुपये में काम कर रहे हैं, इनका जीवन यापन करना मुश्किल है। चूँकि 7 सूत्री मांग पत्र है, उसमें सारे लोग समाहित हैं, ईएल हैं, प्रतिकार अवकाश है, हाफ सीएल है, इन सभी समस्याओं का समाधान जब तक नहीं होगा तब तक संयुक्त मोर्चा का आंदोलन वापस नहीं होगा और 29 तारीख को जो महानिदेशक कार्यालय का घेराव का कार्यक्रम है वो यथावत जारी रहेगा और सरकार को संयुक्त मोर्चा की और प्रदेश के बेसिक शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों की मांगों को मानना पड़ेगा। मैं सरकार से पुनः मांग करता हूँ कि बीच का रास्ता निकालते हुए इन समस्याओं का समाधान करें। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद शिक्षकों के चेहरों पर खुशी लौट आई है, लेकिन शिक्षक संघ ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी सभी मांगे मानी नहीं जाएंगी उनका आंदोलन जारी रहेगा। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से विवादित बयान देकर सियासी हवा को भड़का दिया है। 23 लड़के लड़कियों के सामूहिक धर्म परिवर्तन का ऐलान करते हुए तौकीर रजा ने कहा कि 21 जुलाई को एक साथ 5 लड़के लड़कियों का सामूहिक निकाह होगा।
तौकीर रजदा ने इसके लिए जिला प्रशासन से परमिशन भी मांगी है। वहीं हिंदू संगठनों ने इसका जोरदार विरोध किया है, साथ ही जेपी ने मौलाना पर करारा पलटवार भी किया है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट देते हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। ऐसे मुसलमान जो सामूहिक करें, इन पर केस होनी चाहिए, इन पर मुकदमा होनी चाहिए। अक्सर विवादों में रहने वाले आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर विवादों में हैं। तौकीर रजा ने सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने का ऐलान किया है। तौकीर रजा ने कहा कि उन्होंने इसके लिए जिला प्रशासन से सामूहिक धर्म परिवर्तन और निकाह की परमिशन भी मांगी है। इस वक्त 23 एप्लीकेशंस हैं, इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं, और इन्होंने अपने रिश्ते पहले से तय किए हुए हैं, तमाम के तमाम बालिग हैं। हमने जिला प्रशासन से परमिशन मांगी है। तौकीर रजा के मुताबिक 21 जुलाई को एक साथ 23 लड़के लड़कियां सामूहिक धर्म परिवर्तन करेंगे और सभी का सामूहिक निकाह भी होगा। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में हम 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं, उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं, तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा सामूहिक। तौकीर रजा के इस बयान के बाद तीखा विरोध भी शुरू हो गया है। एक तरफ हिंदू संगठनों ने इसे लेकर कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं सियासी तौर पर भी इसका विरोध शुरू हो गया है। आजादी के समय अगर सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता, कुछ वोट के लालच में जो हालात हुए वो सोची समझी राजनीति थी, जो मुसलमान रह गए। आज देश में एक कड़ा कानून बनाने की जरूरत है और ऐसे मुसलमान जो सामूहिक करें, इन पर केस होनी चाहिए, इन पर मुकदमा होनी चाहिए। वहीं मुस्लिम धर्म गुरु का कहना है कि धर्म परिवर्तन के लिए कानूनी प्रक्रिया है, इसे लेकर किसी धर्म गुरु का इस तरह का ऐलान ठीक नहीं है, धर्म पर सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए, धर्म परिवर्तन विवाह के लिए मैं इसके समर्थन में कभी नहीं लगा। धर्म परिवर्तन जो होता है वो एक अलग मैटर है और विवाह के वास्ते धर्म परिवर्तन करवाना वो अलग मैटर है, और किसी को अगर धर्म अपना परिवर्तित करना है तो संविधान उसको इजाजत देता है, वो डीएम से परमिशन ले और अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन उसके लिए किसी नेता को या किसी आलिम को आगे बढ़कर इसकी कमान अपने हाथ में लेना मैं समझता हूँ कि राजनीतिक माहौल में ठीक नहीं है। तौकीर रजा के हिंदू लड़के लड़कियों के सामूहिक धर्म परिवर्तन और निकाह के ऐलान के बाद बरेली में हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी, वीएचपी, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ कई हिंदू धर्म गुरुओं ने डीएम दफ्तर का घेराव किया। हिंदू संगठनों ने डीएम से तौकीर रजा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। 2010 से बीच बीच में ऐसे सगुफा छोड़ता रहता है जिसके समाज के अंदर कोई वैल्यू नहीं, इसके खुद के अपने मजहब के अंदर भी कोई वैल्यू नहीं, जो यहाँ पर बीच बीच बात करके थोड़ा समाज के अंदर एक ऐसा संदेश देना चाहता है, बरेली के अंदर ऐसा संदेश देना चाहता है जिससे यहाँ पर उपद्रव हो, दंगा फसाद हो। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास समिति के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने तौकीर रजा पर पलटवार करते हुए विवादित बयान दिया है। उन्होंने मौलाना तौकीर रजा की जीभ काटने की धमकी दी है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और मौलाना तू 23 लड़के लड़कियों की बात करता है, यदि तूने एक भी हमारे हिंदू भाई बहन का धर्म परिवर्तन कराया या कलमा पढ़वाया तो मैं बरेली में आकर हजारों समर्थकों के साथ
तेरी जीभ काट लूंगा। मौलाना तौकीर रजा का विवादों से पुराना नाता रहा है। तौकीर रजा पहले भी विवादों में रहे और विवादित बयान भी देते रहे। उनके कुछ पुराने विवादित बयानों का जिक्र करें तो मुस्लिम युवाओं के साथ साजिश की जा रही है, मुस्लिम बस्तियों में टारगेट करके युवाओं को शराब का आदि बनाया जा रहा है। हिंदुओं को चेतावनी देता हूं, मुस्लिम युवाओं ने अगर कानून हाथ में लिया तो हिंदुओं को कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिलेगी। अयोध्या पर सारे झूठ सहन कर लिए थे, ज्ञान वापी या दूसरे केस में नहीं करेंगे। सरकार हर मस्जिद को मंदिर बनाना चाहती है, इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सरकार धृत राष्ट्र बनी रही तो देश में महाभारत जरूर होगा। मुसलमान सड़कों पर आया तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। योगी सरकार ने आजम खान पर बहुत जुल्म किए हैं, सरकार से एक एक करके सभी जुल्मों का हिसाब लिया जाएगा। CAA वापस नहीं लिया तो गलियों में खून बहेगा, दंगे फसाद हो जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। एक बार फिर मौलाना तौकीर रजा ने धर्म परिवर्तन की बात कहकर सियासी माहौल को हवा दे दी है। अब देखना यह है कि मौलाना के भड़काऊ बयान पर पुलिस प्रशासन के एक्शन के साथ सियासी वार पलटवार कितना तेज रहता है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कल मुहर्रम के मौके पर यूपी के सभी शहरों में मुस्लिम समाज की तरफ से जुलूस निकाला जाएगा, वहीं सरकार ने इसे लेकर तैयारी भी पूरी कर ली है। मुहर्रम पर सीएम योगी के नियम कायदों को लेकर दिए बयान के बाद सियासी घमासान जारी है। ऐसे में प्रदेश के सभी शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। यूपी पुलिस के अलावा दूसरे सुरक्षा बलों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। यूपी के सभी शहरों में मुहर्रम का जुलूस निकाला जाएगा, इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। मुहर्रम के लिए यूपी के शहरों में सुरक्षा बढ़ाने के साथ कई इलाकों में रूट डायवर्जन होगा। सभी शहरों में यूपी पुलिस के अलावा दूसरे सुरक्षा बलों की संख्या भी बढ़ाई गई है। मुहर्रम को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट, सभी शहरों में बढ़ाई गई पुलिस फोर्स, सिक्योरिटी फोर्स की 165 कंपनियां तैनात, ताजियों की सुरक्षा के लिए इंतजाम किए गए, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील। अलग अलग तारीखों पर 89,000 ताजिये रखे जाएंगे। मुहर्रम पर 35,000 अलग अलग जुलूस निकाले जाएंगे। यूपी में तीज त्योहारों को लेकर सीएम योगी पहले ही नियम कायदों के लिए दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं। सीएम योगी ने कहा है कि अगर त्योहार मनाना है तो नियम के तहत मनाना होगा। उन्होंने कहा कि पहले मुहर्रम के नाम पर सड़कें खाली हो जाती थी, तारे टूट जाती थी, पेड़ों को काट दिया जाता था, लेकिन आज मनमानी नहीं चल सकती। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। संभल के SP सांसद जियाउर रहमान बर्क ने आरोप लगाया है कि यूपी में मुसलमानों के त्योहारों में अड़चन डाली जा रखी है। पहले 20 से 55 फीट के ताजिये निकाले जाते थे, लेकिन जबरन ताजियों को छोटा कर दिया गया है। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इसका मुद्दा वो संसद में भी उठाएंगे। इस प्रक्रिया को अगर करना था तो उनको समय से पहले करना चाहिए था। इस टाइप से जबरदस्ती मुसलमानों के ऊपर थोपना ये सरासर गलत है, और इस मुद्दे को मैं बहसियत सांसद होने के नाते मुझे मौका मिलेगा, अब जब हमारा पार्लियामेंट का सत्र शुरू हो रहा है 22 तारीख से, तो मैं मुहर्रम के मसले को पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर भी मजबूती के साथ उठाऊंगा कि क्यों हमारे पूरे संभल ही नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे मुहर्रम के ताजे को हाइट को जो परंपरा चली आती थी उसको क्यों बंद कर दिया गया। यूपी में मुहर्रम के बाद कावड़ यात्रा का भी आयोजन होना है, ऐसे में योगी सरकार ने सभी के लिए नियम कायदे पहले ही तय कर दिए हैं। मुहर्रम और कावड़ यात्रा पर आदेश, संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाएं, सोशल मीडिया की 24 घंटे निगरानी, अफवाह पर फौरन एक्शन होगा, कावड़ मार्ग जुलूस मार्गों पर नजर,
नई परंपरा की इजाजत ना दी जाए, जुलूस में ताजे का साइज तय हो, मोहर्रम के हथियारों का प्रदर्शन ना हो, डीजे पर भी नियमों का पालन हो। सभी धार्मिक आयोजनों के लिए यूपी सरकार ने नियम कायदे तय किए हैं। इनका पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन को सख्त हिदायत दी गई है, लेकिन मुहर्रम को लेकर सियासी नेताओं की तरफ से विवादित और भड़काऊ बयान आ रहे हैं। हालांकि कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सरकार के नियम कायदे मानते हुए मुस्लिम समाज से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और बात करते एक बड़ी खबर की। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच मीटिंग खत्म हो गई है। दोनों के बीच करीब एक घंटे तक मीटिंग चली। बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य के बीच काफी देर तक बातचीत हुई है। अब अपडेट ये सामने आ रहा है कि मीटिंग समाप्त हो गई है। बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच जो मीटिंग चल रही थी वो समाप्त हो गई है। दोनों के बीच तकरीबन एक घंटे तक बातचीत हुई है। बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य के बीच तकरीबन एक घंटे तक ये मीटिंग चली। और यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।